छोटी सी रोशनी लेकर चले थे। हाँ, उजाला करने की होड़ थी। अंधेरे से लड़ने की होड़ थी। रोहन, छड़ लावा। भरोसा था, मेहनत बेजोर थी। उम्मीद का आसमान बांधकर छोटे कदमों से निकले थे। अज्ञान के अंधेरे में उजाले का संसार बसाना था। झोपड़ी से मिट्टी का स्कूल, मिट्टी से पक्का मकान और मकान से शानदार शिक्षा का मंदिर बनाना था। इन नन्ही आंखों की पीठों पर सजे हुए स्कूली बस्तों में भविष्य का पूरा ताना बाना रचा बसा। इनकी आंखों में भरे हुए हैं बेहतरी के सपने, ऐसे सपने जिनकी तरक्की का कोई ओर छोर नहीं। पढ़ते जा रहे हैं कदम, हाँ ये दुनिया जीत लेंगे हम। आप किसी भी तरह का ज्ञान या शिक्षा का ग्रहण प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं था। कच्ची सड़कों पर स्कूली बच्चों की बसों का दौड़ना इतना आसान नहीं था। बच्चों को स्कूल की राह में सर पर दौड़ाना इतना आसान नहीं था। ढहे हुए वर्तमान के बीच तन कर खड़े होना नई उम्मीदें लेकर। दुर्गम कच्ची सड़क से राष्ट्र निर्माण की गाथा लिखती पक्की सड़क तक। झोपड़े से पक्के क्लासरूम तक का सफर तय करने में 55 वर्षों का समय लगा। पढ़ाई करते इन चेहरों की मुस्कान के पीछे लंबा संघर्ष है। संघर्ष रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठकर आगे बढ़कर शिक्षा को सार संसार बनाने का। तो चलिए एक संघर्षपूर्ण कहानी के साक्षी बनिए। समय था 1964 का। भारत को आजाद हुए महज 17 साल हुए थे। बिहार का शोक बनकर कोसी बह रही थी अपने आवेग में और कोसी के तट पर कछार में नींव रखी गई थी एक विद्यालय की। यह विद्यालय था जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय। स्वर्गीय प्रेमलाल के दो बेटे जगरूप मंडल और मनरूप मंडल ने उस समय भौगोलिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सहरसा जिले के सुदूर देहात इलाके में इस विद्यालय की स्थापना की। तमाम लोगों की मूलभूत जरूरतों में रोटी कपड़ा और मकान को ही गिना जाता था, लेकिन बसहा गांव के कुछ बुद्धिजीवियों की दूरदर्शिता एवं प्रेरणा के कारण यह विद्यालय बनना मुमकिन हो पाया। इनमें बंभोला प्रसाद मंडल, बुच्ची झा, द्वारिका प्रसाद मंडल, सत्यदेव झा शामिल हैं, जिनके सहयोग से स्वर्गीय जगरूप मंडल एवं सेक्रेटरी साहब के नाम से मशहूर स्वर्गीय मनरूप मंडल ने अपने पिता स्वर्गीय प्रेमलाल मंडल के नाम पर जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय की स्थापना की। शुरुआती दिनों में इस विद्यालय की स्थापना साहेब टोला के नजदीक तिलावे नदी के पास की गई थी, जहाँ से 2-3 बैच में बच्चे पास हुए थे। लेकिन बाद में इस स्कूल को बसहा थुमहा गांव की सीमा पर तिलावे नदी के ही किनारे लाया गया और तब से अब तक ये विद्यालय यही है। विद्यालय की स्थापना के बाद आसपास के कई गांव जैसे थुमहा, कटैया, लिटियाही, पिपराही, सखुहा, कौशली, पट्टी, बिशनपुर, बैलोखरा, निर्मली एवं लाल पट्टी आदि दर्जनों गाँव के बच्चे यहाँ पढ़ने आने लगे। मैट्रिक पास करने के बाद हम लोगों ने कॉलेज की शिक्षा ली और कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद जब गांव आए तो गांव में उस समय में जमींदार थे हमारे मनरूप बाबू और जगरूप बाबू, दोनों भाई थे और दोनों साथ रहते थे। तो हम लोगों ने 2-4 आदमी मिल करके और हम लोगों के पिताजी भी इसमें सहयोग किए, इन लोगों को प्रेरणा दिए, प्रेरित किए कि हाई स्कूल गाँव में कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
बच्चे को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उन्होंने हम लोगों की बात मान ली और बस्ती से पश्चिम टोला है सहवा टोला, वहाँ एक परपट मैदान पर विद्यालय की स्थापना की गई 64-65 में। फूस का घर बना 7 कोठली का, हम लोग वहाँ रहने लगे, कुछ छात्र भी रहते थे, पढ़ाई चलने लगी। इस स्कूल का नाम जवाहर प्रेमलाल कैसे हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। शायद इसके बारे में बहुत से लोगों को पता ना हो, इसके बारे में संस्थापक शिक्षक श्री विजय कांत झा बताते हैं कि सन 1964 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था। उनका पूरे देश में वर्चस्व था। विद्यालय की स्वीकृति एवं विद्यालय के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के नाम के साथ ही स्कूल की स्थापना करने वाले स्वर्गीय मनरूप मंडल के पिता स्वर्गीय प्रेमलाल मंडल का नाम जोड़ा गया। इस तरह से जवाहर और प्रेमलाल को जोड़कर जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय नाम दिया गया। 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया था। वे देश के प्रधान पदों पर थे और उनका समूचे देश में वर्चस्व था। विद्यालय की स्वीकृति एवं इसके विकास के लिए उनका नाम साथ ही स्वर्गीय मनरूप मंडल जी के पिता प्रेमलाल मंडल थे। इस तरह से जवाहर प्लस प्रेमलाल को जोड़कर जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय का नामकरण दिया गया। स्कूल कतर है जमाना में। सुखदेव साह धत्ता टोला के रहने वाले चरवाहा, कलर राम बसाह के रहने वाले चरवाहा, ये लोग स्कूल स्थापना काल में भैंस चराते थे। संयोग से ये हमें पुराने स्कूल वाली जगह पर मिल गए। मास्टर के तो याद नहीं छे। मास्टर के याद नहीं छे। गाय भैंस लेके आबिये ना तो कल के गेलो मास्टर से बड़ा खैनी खाई छे तो बोलो से मामा क्या दिया 4 बेर चोटी दिए मास्टर से दौड़ के आवे। कोनो मास्टर के याद छौ ओ टाइम में के रहे टीचर? एकोटा के रहे तो अंदाज बस एक ही नाम छे याद नहीं। नाम छे यार के खोलले के स्कूल श्रीची से मंडूप में 64 से ही बनना शुरू हुआ वहाँ। उसका मंजूरी जो है धीरे धीरे 67 की 68 में हुआ है आंशिक पार्शियल, और फुल फ्लेज जो है वह हुआ है 70 में कि 69 में, इसी का एक्यूरेट तो पता नहीं है अभी याद नहीं है। कोई सुविधा नहीं, सेक्रेटरी जो दे देते थे बस वही सब कुछ। तब से अब में सिर्फ रास्ता ही नहीं मंजिल भी काफी बदल गई, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी। तरीका कोई भी हो, मकसद शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना था। ये बदलाव वक्त के साथ आता गया और इस विद्यालय के कारवां में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक भी जुड़ते गए। सबसे ज्यादा हमको बसेब मिला, बसाहन में मिला जो सम्मान मिलना चाहिए। जो सम्मान यहाँ मिला वह सम्मान जो है बाहर कहीं नहीं मिला। मिला जी मिला हाँ, लेकिन जो यहाँ की स्थिति थी, सम्मान था, सब चीज़ था, वो दूसरी जगह नहीं मिला। एक पल लगता है सदी बीत गई हो तो दूसरे ही पल कल की ही बात लगती है। जिन्होंने विद्यालय की स्थापना की उन्होंने अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाया। इस स्कूल के संस्थापक परिवार के सदस्य श्री कृष्ण चंद मंडल उर्फ बाबू साहब मंडल एवं भागवत मंडल बताते हैं कि विद्यालय की स्थापना के समय द्वारिका प्रसाद मंडल इसके सभापति हुआ करते थे और शुरुआत में डॉक्टर देव नारायण मंडल इसके अल्पकालीन प्रधानाध्यापक हुए तथा सर्वकालीन प्रधानाध्यापक के रूप में थुमहा निवासी श्री गणेश प्रसाद हुए जो 1994 तक इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे।
इसके बाद क्रमशः जनेश्वर ठाकुर, शिव चंद्र मंडल, कृष्ण मोहन ठाकुर, अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, हरि नारायण प्रसाद इसके प्रधानाध्यापक रहे और पिछले 4 वर्षों से अभी तक श्री गिरधर बाबू इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। लगभग नहीं 1964 ईस्वी की बात है, हमारे बाबूजी शायद मुखिया थे उस समय में, गांव को हाई स्कूल की आवश्यकता हो गई क्योंकि मिडिल स्कूल बेसिक स्कूल 8वां तक गांव में था ही, इसलिए समाज को कुछ शिक्षा की आवश्यकता हो गई। इसलिए समाज एक रूप होकर के एक जगह एकत्रित होकर के इस पर विचार किया कि एक हाई स्कूल गांव में होना चाहिए। समाज में जैसे द्वारका मंडल, बम्भोला मंडल, बुची झा, सतदेव झा, और किनका नाम के ये सब प्रमुख थे। समाज जब एकजुट हो गया तो इन्हीं को, हमारे बाबूजी को ही भार दे दिया गया कि आप ही हाई स्कूल खोलिए। हमारे बाबूजी का नाम मनरूप मंडल था। इस विद्यालय की सफलता के पीछे इसकी नीयत है। इसने अपने हर शुभचिंतक को सजो कर रखा, उनकी पढ़ाई लिखाई ही नहीं खाने पीने का भी ध्यान रखा। स्कूल खोलते हमारा धियापुता मैंने देख लिए जो भले तब मैंने मास्टर सब जो रहे ना से जाने छे हाई स्कूल छे तो मास्टर सब दुआर पर राखे बच्चा सब पढ़ते तो वो आवे खाना मैंने खाना खाए ना तब स्कूल जाए आ स्कूल से आवे तो कते रह जाए तो नाश्ता फिर पहन दिए रात में पढ़े लिखे तो फिर खाए पिए एतबा हमरा जानिए कर तो खाना पीना के खियाबे हमरे नहीं खियाबी जो कनिए रहते वह न खिएते बुआ मैंने बाबा के कह मास्टर अतः तो नाश्ता दी हाँ अब एक कनैयो को नाश्ता दिए पड़े नहीं रहे सास आर के दूटा मास्टर रहे जहाँ सुंदर पंडित रहे एक और पूर्ण मास्टर रहे ऊसब रहे खाना पीना हमारा खियाबी हमें रहिए बड़की गोतनी रहे और लाल के आर के सब नहीं रहे। मेरे परिवार का पूरा योगदान है, वो अपना जमीन दे करके विद्यालय को तैयार किए खड़ा किए सर, जितना भी उसमें टीचर थे सभी यहाँ पर रहते थे, यहीं से अपना खाना पीना खा करके अपना स्कूल करते थे। साहब टोला में स्कूल तो बन गया था लेकिन यहाँ आने जाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं था, खेत की पगडंडियों के सहारे ही बच्चों को स्कूल जाना होता था। ऊपर से स्कूल और गांव के बीच तिलावी नदी होने के कारण उस समय के छात्रों को बहुत कठिनाई से नदी को पार कर स्कूल पहुंचना होता था। वो कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी होती है। इस विद्यालय के संघर्षों की लिस्ट में कई विद्यार्थियों की यादें और सच्ची कहानियां हैं। आज अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लेने वाले बता रहे हैं नदी और विद्यालय से उनका अनमोल रिश्ता। ये लगभग 64-65 की बात है जब हम लोग यहाँ से मिडिल स्कूल पास किए तो हम लोग के साथ समस्या हो गई कि हम लोग जाए तो कहाँ जाए, नज़दीक में कोई हाई स्कूल नहीं था। उधर आपको किशनपुर था और मधेपुरा ज़िला में बबनी स्कूल था, तो उसी समय क्या कहते हैं हमारे जगरूप बाबू और मनरूप बाबू बहुत बड़ा जो है सो काम किए इस इलाके को उनके लोगों के लिए जो है सो एक विद्यालय खोले। कहावत भी है कि उत्तम खेती मध्यम बान, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि उत्तम चाकरी मध्यम बान। हम लोगों के रास्ते में एक नदी पड़ता था जिसमें हम लोग कमर भर पानी, कभी बरसात के समय हो जाता था कभी सूखा भी रहता था, लेकिन बरसात के समय में अधिक पानी हो जाता था तो हम लोग उसमें कपड़ा बदल करके वहाँ विद्यालय जाया करते थे। हम लोग 1971 ईस्वी में मैट्रिक वहाँ से किए जहाँ बसा धत्ता पर सहवा टोला में विद्यालय स्थापित था। उस जगह हम लोग को जाने में पैदल जाते थे, कठिनाई होती थी, विद्यालय भी उतना
अच्छी ढंग से उस समय में नहीं बना हुआ था। हम लोग जब जाते थे तो वहाँ जो था विजय झा नाम के कोई शिक्षक थे जो छात्र लोगों को मारते थे, उनको उनके डर से बहुत छात्र जो है सो विद्यालय नहीं जाते थे। वहाँ से बहुत छात्र पढ़ लिख करके बहुत बड़े अफसर भी हुए, कोई टीचर भी हुए। हाँ, यही हो उस विद्यालय का। वहाँ के सेक्रेटरी भी अच्छे थे जिन्होंने अपने ज़मीन दान करके उस विद्यालय का स्थापना किया। विद्यालय के पुराने विद्यार्थियों और शिक्षकों ने बातों बातों में उस दौर की अच्छी पढ़ाई और सख्त शिक्षकों के बारे में भी बताया। मैट्रिक पास कर लिए और हम आठवां पास बेसिक स्कूल से कर लिया, तक जमा में हम तो हाई स्कूल रहे तो उठ के चल जाते अच्छा। तब हम मैट्रिक पास कर लेते हैं तब दोनों जगह पास। मैंने 1978 ईस्वी में वहाँ से मैट्रिक पास किया और इन गुरुजनों के सहयोग मेरे ऊपर भरपूर था और जो भी मेरे सहयोगी थे उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा जो है गुरुजन लोगों का सहयोग था। वहाँ का पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छा था। स्थापना काल में अनिरुद्ध प्रसाद मंडल, धनेश्वर मंडल, सुंदर पंडित, देव नारायण मंडल, रामदेव चौधरी, योगानंद झा, विजयकांत झा, शिवचंद्र मंडल और श्री गणेशी प्रसाद साह शिक्षक के रूप में कार्यरत हो गए, तो वहीं गंगा प्रसाद मंडल लिपिक के तौर पर बहाल हो गए तथा रामजी मंडल एवं गोहन मंडल चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा देने लगे। ये विद्यालय की उत्पत्ति ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का एक परिणाम था। गांव में सब तरह से समृद्धि थी, जमींदार लोग थे, सुखी संपन्न थे, लेकिन गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सबों को अपने दूर के उच्च विद्यालयों में जैसे बभनी, राजपुर भेजना पड़ता था। मैं 1968 में जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय बसा का प्रधानाध्यापक नियुक्त हुआ। उस समय विद्यालय को प्रस्वीकृति नहीं थी, विद्यालय अन्यत्र जगह पर था। मैं उसे वर्तमान लोकेशन पर लाया। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि एक विद्यालय की नींव रखने से कई जिंदगियों की नींव रखी जा सकी। नम आंखों से उस दौर को याद करते हुए कई पूर्व छात्र अपने जीवन की सफलता के लिए विद्यालय को पूरा श्रेय देते हैं। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं जेपी हाई स्कूल का। क्यों? आज वह स्कूल नहीं होता तो हमारे जैसे गरीब आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज उसी स्कूल की वजह से हम और हमारे परिवार ऊंचाई के उस सीमा तक पहुँच चुके हैं जो हम कह नहीं सकते। मैं 1980 में जवाहर उच्च विद्यालय बसाह के प्रथम सत्र का विद्यार्थी रहा हूँ। उस समय के प्रधानाचार्य श्री देवनारायण मंडल थे। मेरे नामांकन तथा पढ़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जिसका मैं आज भी आभारी हूँ। उस समय सेवा दत्ता टोला से विद्यालय यहाँ आया था। शुरुआत में 56-10 कमरे के विद्यालय में पढ़ाई की शुरुआत हुई और आज की भी विद्यालय की स्थिति तथा माहौल देखकर बहुत गौरवान्वित होता हूँ। इस कहानी में मीठी यादों के साथ ही कुछ खट्टी मीठी यादें भी हैं। जैसे प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के रूप में श्री गणेशी बाबू जहां विद्यालय में काफी लोकप्रिय थे तो वहीं स्कूल के बच्चों में उनके नाम की बहुत दहशत थी। गोहान छड़ लावा, गोहान इमीडिएटली बहुत बदमाशी करे, सटका लावा, दो चार सटका देबे तब ई सब ठीक हो जाता। 1964-1965 के समय तब थुमहा मिडिल स्कूल से 8वीं पास करने के बाद थुमहा गांव के ही दो मित्र श्री हरिमोहन साह एवं श्री शत्रुघ्न मंडल हाई स्कूल में दाखिला लेने पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ कि वो उल्टे पांव वापस लौट आए।
उन्हीं से सुनते हैं ये दिलचस्प वाकया। मैं पढ़ रहा था थुमा मिडिल स्कूल में, वहाँ से पास होकर जब प्रेम लाल उच्च विद्यालय बसा पर सेवा टोल में दत्ता टोला पर हाई स्कूल थे, वहीं पर गए नाम लिखा ले। हमारे मित्र थे सतरण मंडल, हम दोनों आदमी वहाँ जब पहुँचे तो खिड़की से देख रहे थे, तो देखे हेड सर गणेशी बाबू एक विद्यार्थी को बहुत मार मार रहा था करची से। तो ये मन में अभ्यास हुआ कि मिडिल स्कूल में तो हम जो पढ़े तो वहाँ तो गोसाई बाबू तो इतना मार खेबे किए करची से हो कि खजूर के छड़ी से, आ यहाँ भी वही हाल है। तो उसके बाद नज़र पड़ गया मास्टर साहब को गणेश राव का हम लोग पर, तो उनका बोलते हैं कि ए, कौन देख रहा वहाँ से पकड़ो। तो सतरण मंडल तो घुस गए स्कूल में, हम जो भागे वहाँ से तो सीधे आके हफ्सयात होते होते थुम्हे में आके रुके घर पर। फिर आए तो बहुत सोचने लगे, तकलीफ भी हुआ मन में कि नहीं हम लोग पढ़े। तो हम लोग जो है फिर लड़के सबको पढ़ाए, लड़की को पढ़ाए, वो लोग आज अपने मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए कर बच्चे लोग कहते हैं कि तुम लोग भी अपना पढ़ो, लड़की को भी कहते तुम लोग भी पढ़े और आगे बढ़ो, लेकिन स्कूल जाओ। 73 में मैट्रिक उत्तीर्ण हुए, उसी बीच में JBL हाई स्कूल साहेब टोला बसा से जगह स्थानांतरित किया गया। एक शंकर नाम का लड़का था जो चीटर नंबर 1 था, हमारी कॉपी से लुक छुप करके वो देखता था और वही लिखता था, हमसे बेसी उसको नंबर आता था। हमने कंप्लेन किया, उल्टे हमको पिटाई लग गई कि तुम झूठ बोलता है, ये तो ओवर इंटेलिजेंट है। और गणेशी आओ हाथ में छड़ी लेकर के उसी बांस का करची से हमको बहुत मारे, ट्रीटमेंट भी कराए। शिक्षकों की लिस्ट में गणेशी बाबू के अलावा और भी शिक्षक हैं जिन्हें आज भी बच्चे याद करते हैं। कुछ शिक्षक नरम थे तो कुछ गरम, लेकिन सभी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। स्कूल के पूर्व छात्र खुद इस बात की गवाही देते हैं। कोई किताब का कॉपी का पैसा लेता, चौरे चौरा के बेच लेते थे 10 किलो, गेहूं चौरा के 2 किलो बेच लेते थे, लीड का पैसा लेता। उस टाइम में जो थे ना, जो आनंद बाबू थे, शिवचंद्र बाबू बहुत टाइट थे, उनका बहुत डर होता था, वो टाइट बहुत टाइट थे शिवचंद्र बाबू, और जगानंद बाबू बहुत टाइट एकदम रखते थे सब चीज़ को, बहुत अच्छे से चलते थे, लड़का बच्चे को सबको लेके चलते थे, बहुत अच्छा सिस्टम में पढ़ाई चल रहा था जी। मारते थे एक थोड़ा सा भी इधर उधर झाँकते थे तो पीठ पर देते थे सटका रखते थे, बहुत सटका रखते थे, तो इधर उधर नहीं देखते थे। बहुत टाइट मास्टर साहब थे शिवचंद्र बाबू, बहुत टाइट। हाँ, बहुत पहले क्या आते थे शिवचंद्र बाबू, धोती एकदम कुर्ता उर्ता पहन के आते थे पहले, एकदम धोती कुर्ता धोती कुर्ता। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान मैंने बहुत सारी कठिनाइयां भी फेस की है, खास करके रास्ता जो है बहुत पगडंडी जैसा रास्ता था, खेत खलियान होके गुजरना होता था, नदी को पार करके जाना होता था। फिर भी वहां पहुंच के और उस विद्यालय में जाके मुझे जो शिक्षा प्राप्त हुआ वो अविस्मरणीय है। और वहाँ पे थोड़ा सा सीमित संसाधन भी था उस समय, क्योंकि बिल्डिंग जो है बहुत जर्जर स्थिति में थी, खपड़ा का बिल्डिंग हुआ करता था, ग्राउंड नहीं था, प्ले ग्राउंड की बहुत कमी थी। सीमित संसाधनों के रहते हुए उन दैवतुल शिक्षक गणों के द्वारा जो मैंने शिक्षा प्राप्त किया वो मेरे प्रोफेशनल करियर में बहुत सफलता होने में बहुत मददगार रहा। 90 का दशक इस विद्यालय का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसी वक्त विद्यालय सेवा बोर्ड से नियुक्त होकर कई विद्वान शिक्षक इस विद्यालय में आए, श्री हरिबाबू, मोहम्मद अशफाक आलम, अनिल कुमार सिंह एवं अजय वर्मा जी आए। खासकर 80 के दशक में स्थानीय शिक्षक एवं बाहर से हरिबाबू एवं आलम साहब के विद्यालय में आने से इस क्षेत्र की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और इलाके की लड़कियों ने भी विद्यालय में प्रवेश लिया और स्कूल आना शुरू कर दिया।
तब से अब तक विद्यालय के छात्रों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और स्कूल से पास आउट होकर कई छात्र अलग अलग क्षेत्र में अपना सिक्का जमा चुके हैं। स्कूल के बहुत सारे छात्र सेना में भर्ती हो गए, कुछ डॉक्टर बन गए तो कुछ इंजीनियर, कोई पुलिस सेवा में शामिल हो गया तो कोई पत्रकार बन गया, कुछ शिक्षक, कृषि वैज्ञानिक, किसान एवं सफल व्यापारी बन चुके हैं। स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक आलम साहब का कम समय में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन उनका पढ़ाया पाठ आज भी उनके छात्रों को याद है। स्कूल के लोकप्रिय शिक्षकों में से एक हरिबाबू सेवा प्रारंभ से लेकर लगभग 32 साल तक सेवानिवृत्ति तक इसी स्कूल में ही रहे। हरिबाबू का स्कूल से इतना लंबा जुड़ाव यहाँ के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ। स्पोर्ट्स और स्काउट गाइड की अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके पास थी और उनके कार्यकाल में दो बच्चों अनिल कुमार एवं मोहम्मद जावेद आलम को क्रमशः 1997 और 1998 में भारत स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। उनके रहते स्कूल में लड़कियों ने खेलना शुरू किया और आगे की पढ़ाई की। आज भी बच्चे उनके योगदान को याद करके भावुक हो जाते हैं। बाद के दिनों में अनिल बाबू एवं अजय वर्मा सर ने इस स्कूल को बखूबी सींचा। स्काउटिंग और खेलकूद के माध्यम से 1995 में मैंने प्रयोग किया था, एक वातावरण बनाया जिसमें हमारे 12 लड़के राज्यपाल पुरस्कार के लिए भारत स्काउट गाइड में गए थे पूर्णिया, सभी ने उत्तीर्ण किया और उसमें से दो हमारे छात्र और आगे बढ़ करके राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें अनिल कुमार और जावेद आलम दो छात्र हुए। और इस वातावरण में इतना विकास हुआ, बच्चे इतने विकसित हुए कि आज बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ छात्राएं नहीं पढ़ती थी। मैं ग्रामीणों में एक माहौल बनाया, पहले बार जो है 4-5 छात्राओं को लेकर के थुमा बाजार से मैं अपने साथ लेकर के छात्राओं को आते थे, दिन भर पढ़ती थी और वह जो है शाम को मेरे साथ ही अपने अपने घर चली जाती थी। इस विद्यालय से प्रथम श्रेणी से 10वीं तक की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति श्री भागवत मंडल रहे। वो 1970 में सभी छात्रों की तुलना में सबसे ज्यादा अंक लाए थे। फिलहाल वो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। 1970 में दूसरा बैच था, फर्स्ट डिवीजन किए थे, तो कितना अंक आया था? 640। अब फुल मार्क कितना था? फुल मार्क जो है तो 1000 था ना। यदि हाई स्कूल यहाँ नहीं रहता तो हम अंदाज करते हैं कि बसा का जो है विद्यार्थी बहुत कम पढ़ता, 2-4 आना पढ़ता। स्कूल की स्थापना के 10 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी कहा जाता है कि हाई स्कूल में लड़कियां पढ़ने नहीं आती थी। तब थुमहा गांव की ललिता भारती नाम की छात्रा ने पहली बार हिम्मत जुटाई और स्कूल से पास होने और आगे की पढ़ाई करने के बाद ललिता आज खुद एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। जवाहर प्रेम लाल उच्च विद्यालय बसा में 1988 की पहली छात्रा हूँ जो हाई स्कूल में पढ़ने गए। हम उस वक्त पढ़ने गए थे जब वहाँ लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाती थी। 8वीं तक हम थुमा के मिडिल स्कूल में पढ़े, लेकिन आगे की क्लास में मेरे पढ़ने की चाह पर मेरे पिताजी ने स्कूल में उस समय के उस शिक्षक हरि बाबू आलम सर और योगानंद सर से बात की, तो वे लोग भी इस बात से बहुत खुश हुए। सर ने पिताजी को आश्वासन दिलाए, शिक्षकों का आशीर्वाद और अपनी मेहनत से आज मैं मध्य विद्यालय बसमतिया में शिक्षिका के रूप में हूँ। उस समय 1989-90 में बसा स्कूल का वैसा माहौल नहीं था जो कि लड़की जाके वहाँ पढ़ाई कर सके। तो 9th क्लास में वो मुन्नी दीदी थी, महारानी दीदी थी और मंजू दीदी थी, तो उन लोग को आगे पढ़ाई करना था तो उनके पेरेंट्स जाकर के, गार्जियन जाकर के सर लोग से बात किए। उस समय हरिबाबू और आलम सर और जोगानंद सर थे,
तो वो लोग आश्वासन दिए कि आप लोग बच्ची को भेजिए और यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी, तो वो लोग जाना स्टार्ट की। उसके बाद 91 बैच में हम लोग वहाँ नाम लिखाए, जिसमें आशा थी, हम थे, और पिंकी थी, सुशीला थी, अर्चना थी, यही सब जा कर के वहाँ शुरुआत पढ़ाई करने लगे। तो उसके बाद फिर वहाँ हम लोग को कोई असुविधा महसूस नहीं होता था, बहुत अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, सर लोग बहुत हम लोग का केयर करते थे और बहुत अच्छा सब कुछ वहाँ रहा, कुछ किसी चीज़ का असुविधा हम लोग को नहीं हुआ। हाई स्कूल बसहा से 1992 में बोर्ड परीक्षा पास की, और मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे पढ़ाई कराते थे। स्कूल जाने में थोड़ी परेशानी होती थी, फिर भी हमने रेगुलर स्कूल किया क्योंकि टीचर बहुत ही अच्छे थे। जवाहर प्रेमलाल हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आगे बढ़ाने में इस इलाके के प्रसिद्ध शिक्षाविद श्री विप्लव कुमार का भी श्रेय है। इन्होंने सन 90 से लेकर अब तक इस स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को ट्यूशन दी है, और इनके मार्गदर्शन में आज काफी बच्चे अच्छी जगहों पर अपना काम कर रहे हैं। शुरू शुरू में जब मैं अपना पढ़ाई पूरा कर घर आया तो कुछ दिनों के लिए बेरोजगार था। उसी समय हमारा संपर्क जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय में पदस्थापित कुछ शिक्षकों से हुई, जिनमें हरि बाबू बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी रहे हैं। हरि बाबू, विजय बाबू, योगानंद बाबू आदि लोगों के प्रेरणा से हमने पढ़ाने का काम शुरू किया, बच्चों में शिक्षा दान देने का प्रयास किया। 1967 से 2022 तक 55 साल बीत चुके हैं, और 55 साल बाद जमाना बदला। अब स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें हैं, तिलावे नदी के ऊपर पुल बन चुका है। जिस स्कूल में एक क्लासरूम नहीं था, वहां आज 2 मंजिला भवन है, और वर्तमान में इस विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई होती है। अभी इस विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के रूप में सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, ओमकार कुमार, सरोज कुमार, सुधीर कुमार, योगेंद्र राम और पंकज कुमार है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में शिवनंदन मंडल, सुशील कुमार, अवधेश कुमार, अनिल कुमार पंकज, कल्पना कुमारी, और अतिथि शिक्षक के रूप में अमरेंद्र प्रसाद यादव, राम सेवक मंडल एवं केशव कुमार पद पर है। मैं प्रभारी बना, और 2018 में ही जिला पदाधिकारी बैनाथ यादव का यहाँ आगमन हुआ। मैंने उनसे मांग किया कि विद्यालय में छात्रों, उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ की कमी थी, जो बरसात समय में या वैसे भी आने जाने में उसको दिक्कत होती थी क्योंकि सड़क मार्ग नहीं था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपको सड़क मार्ग दूंगा, और उन्होंने तत्काल ही सड़क मार्ग दिया, जिसके कारण मेरे विद्यालय में छात्र एवं छात्रों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। धीरे धीरे स्कूल की धाक बढ़ने लगी। अभी स्कूल में कुछ दिन पहले एक जलसा हुआ था। जिस स्कूल में सामान्य अधिकारी नहीं आते थे, वहां खुद जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आकर घंटों छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र दे रहे थे। ये इमारत हमें भरोसा देती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो दरिया हो या दुखों का दयार, इंसान सब कुछ पार कर जाता है। उम्मीद इस स्कूल से निकली शिक्षा की रोशनी आगे यूं ही फैलती रहेगी।